Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जो एक तरफ डिंपल यादव ने इशारों में केंद्र सरकार की घेराबंदी की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा है। रेणुका चौधरी का कहना है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी लेने की सुविधा है, क्योंकि हम ले तक हमारा पास दिए तक हम गाड़ी अंदर नहीं ला सकते हैं। ना अपनी गाड़ी है, मैं तो सरकारी गाड़ी मंगवाई वहां, वो भी पहुंचने में इतनी देर लग गई। तो क्या अरेंजमेंट कर रहा है? अब यहाँ पार्लियामेंट में आए नए बिल्डिंग, मकरदार अकरदार, ये द्वार, ये सब बहुत अच्छी बात है। पोर्च कहाँ है? बारिश पड़े तो हम भीगते हुए अंदर जाएं या वो सीढ़ियों से फिसल के गिरे? कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो अरेंजमेंट होनी चाहिए। इतना डिसऑर्गेनाइज मैंने 30 साल में कभी नहीं देखी, 30 साल से पार्लियामेंट आ रही हूँ। हाँ, गिर गया वो अलग, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एयरलाइन टिकट का रेट बढ़ाते जाओ पैसेंजर को, या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो, और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है, कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। क्या है, क्या हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं? शर्म भी आती है। ऑफकोर्स सिर्फ हम नहीं मांग कर रहे हैं, सारा भारत देश में हम जैसे माएं और परिवार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य क्या है, क्या करना है, हम आगे कैसे जाएं, पीछे मुड़ के नहीं जा सकते हैं। तो क्या है, हमारी स्थिति क्या है, बच्चों का क्या हाल है? इतना मेहनत पैसा खर्च के यहाँ तक आए हैं और अब ये नीट, हर एग्जाम फेल, हर एक का लीक पेपर लीक हो जाता है, हर इसमें फीस तो वसूली कर लेते हैं, एटीएम पेटीएम ये सब रूपे ये सब शुरू करें, पैसे तो वापस करो स्टूडेंट्स का, मेहनती पैसे है लगते हैं वो। तो क्या हाल है मुझे समझाइए, मैं जाके आम जनता को मैं क्या बोलूं कि पार्लियामेंट में नीट तक हम बात नहीं कर सक रहे? वाह, बात करिए, प्रेसिडेंट एड्रेस में इसका जिक्र होना चाहिए, सिर्फ कानून बनाने से नहीं। आज की परिस्थिति में इन बच्चों का क्या है, व्हाट इज द स्टेटस, क्या करे वो माँ बाप, क्या करे? किराया लेके रुके हुए हैं घरों को कि हम आगे जाएं, वापस शहर जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा।